अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं होशियार हूँ और आज मैं आप लोगों को शाओमी के 5 मस्ट हैव गैजेट के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला लिस्ट में हमारा है एमआई पावर बैंक। शाओमी का एमआई पावर बैंक यह 16,000 एमएएच का है और यह हमारे लिस्ट में सबसे ऊपर है क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेहतर है और यह पूरी मेटल बॉडी की है, जबकि इसका अगर आप 20,000 एमएएच का पावर बैंक देखेंगे तो वह प्लास्टिक बॉडी में आती है। खैर, उसका भी बॉडी क्वालिटी वेरी गुड है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो ये 16,000 एमएएच का, ये मुझे सबसे खूबसूरत लगता है। और इसमें का पावर बटन भी काफ़ी बड़ा है, जबकि 20,000 एमएएच की छोटी सी पावर बटन है और दो डिवाइसेस एक साथ चार्ज किया जा सकता है। ये रेडी इंडिकेटर है, चार्ज दिखाती है और इसका बैकअप भी काफ़ी बेहतर है। वैसे तो एमआई के सभी पावर बैंक की बैकअप काफ़ी बेहतर है, तो मैं इसे रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इसका प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल रखा गया है, 1,399 रुपये, और इस प्राइस में और कोई भी पावर बैंक अब तक उपलब्ध नहीं है। अब हम दूसरे गैजेट की बात करते हैं। दूसरा गैजेट का नाम है हमारा एमआई ब्लूटूथ स्पीकर। शाओमी का यह एमआई ब्लूटूथ स्पीकर 2,000 रुपये में उपलब्ध है MI.com पर, और मैं इसे इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इसके फीचर्स और साउंड क्वालिटी काफ़ी बेहतर है, काफ़ी झक्कास है। सबसे पहले तो यह हमारा जो पावर बटन है, यह ऑन होते ही एक बीप साउंड करता है, और उसके बाद यह वॉल्यूम बटन है, यह वॉल्यूम डाउन बटन है, और यह ब्लूटूथ बटन है जो कि ब्लूटूथ पेयरिंग में हमारी मदद भी करता है और हमारा चार्ज भी बताता है। Battery power is about 90%. और इसका जो हमको बेहतर फीचर यह लगा कि अगर आपके फ़ोन में ब्लूटूथ नहीं है, पुराना ज़माने का फ़ोन है, तो फिर भी आप इसको ऑक्स इन से चला सकते हैं, और अगर आपका कॉल आ रहा है गाना सुनते हुए तो आपको ज़रूरत नहीं ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट करने की, आप डायरेक्टली इसी ब्लूटूथ स्पीकर से बात कर सकते हैं। आपका माइक भी दिया हुआ है और यह चार्जिंग पोर्ट है, और इसका सबसे बेहतर फीचर इसकी बैटरी। फुल साउंड में आराम से इसकी बैटरी 6 घंटे तक चलती है, जबकि लो और मीडियम साउंड में 7 से 8 घंटे तक आसानी से यह काम कर जाती है। इस वजह से मैं इस ब्लूटूथ स्पीकर को रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इसमें 3 फीचर जो है सबसे बेहतर मुझे लगी। सबसे पहला यह ब्लूटूथ पेयरिंग बटन जो कि चार्जिंग हमारा बताता है, यह ऑक्सिन केबल, यह माइक और हमारा इसका बैटरी लाइफ। उसके बाद हमारा जो है मस्ट हैव गैजेट वह है एमआई एलईडी लाइट। इसका ऐसे अब इनहेंस्ड वर्जन भी लॉन्च हो गया, मेरे पास पुराना स्टॉक ही है, लेकिन यह एमआई एलईडी लाइट काफ़ी बेहतर है और इनहांस्ड वर्जन भी काफ़ी बेहतर है। उसमें ऐड किया गया है एक नया फीचर जिसमें बटन है, एमआई एलईडी लाइट को ऑफ ऑन कर सकते हैं और 3 व्यू में चला सकते हैं। यह एमआई एलईडी लाइट इसलिए बेहतर है क्योंकि यह पावर काफ़ी कम खाती है, पावर बैंक से आराम से लगभग मैं 2 दिनों तक चला सकता हूँ। और यह एमआई एलईडी लाइट इस जगह पे हल्की सी गर्म होती है लेकिन उतनी भी नहीं होती है। तो मैं यह एम आई एलईडी लाइट इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि यह फ्लेक्सिबल है, ऊपर से इसका रोशनी भी काफ़ी बेहतर है। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो यह काफ़ी मदद करेगी, बस पावर बैंक में लगा दें और इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं आपको तीसरे गैजेट और सॉरी इसका पावर बैंक, इसका प्राइस है 199 रुपये, और जो इनहेंस्ड वर्जन है उसका प्राइस है 250 रुपये, और अगर आप 500 से कम का सामान लेते हैं तो MI.com पे 50 रुपये शिपिंग चार्जेस भी देने पड़ेंगे। अब मैं आपको तीसरे गैजेट के बारे में बात करता हूँ जो मैं रिकमेंड करता हूँ, और वो है MI फैन। MI फैन यह भी काफ़ी बेहतर है, बिल्कुल MI LED लाइट ही की तरह है, बस यह फैन है, और इसका फैन मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। इसका फैन काफ़ी बेहतर है। असल में मेरा यह वीडियो बनाने का पूरा रीज़न था एमआई का यह फैन, क्योंकि हुआ यह कि मैं एग्ज़ाम देने गया हुआ था और मेरे बैग में ये सारे गैजेट थे और वो लाइट कट गई और काफ़ी गर्मी लगने लगा। तब मैं एग्ज़ाम से थोड़ा लीव लेकर निकला, बैग से अपना यह फैन निकाला और अपने बेंच पे इसे रख कर आराम से हवा खाने लगा, जिससे सारे लोग देख के तो चौंक गए कि यह कॉलर का। और दूसरी बात ये भी है कि यह काफ़ी अच्छी हवा देती है, इसकी हवा तब महसूस होती है जब आपके घर में लाइट ना हो। और सबसे बेहतर यह है कि यह बिल्कुल सेफ है, इससे हाथ कटने का जलने का कोई डर नहीं, इसके एजेस शार्प नहीं, और यह हवा भी बिल्कुल रिजनेबल देती है, और यह MI.com पे 250 रुपये में अवेलेबल है और यह भी फ्लेक्सिबल है।
और हमारा लास्ट एंड फाइनल गैजेट एमआई का जो रिकमेंड है वो है एमआई बैंड। इसके बारे में तो आप जरूर जानते होंगे। यह हमारा स्लिप और फिटनेस को ख्याल रखता है, यह ट्रैक कर लेता है कि हम कितना देर सोए हैं और यह काफी एक्यूरेट है। मैंने इसे यूज किया है, जब भी मैं सोता हूँ यह बिल्कुल एक्यूरेट टाइम दिखा देता है कि मुझे नींद कब आई और मुझे डीप स्लीप यानी गहरी नींद कब आई यह भी कैलकुलेट करता है, और मैं कितना दूर चला हूँ यह भी कैलकुलेट करता है। और यह सबसे एक्यूरेट डिवाइस है जो कि पेडोमीटर में सबसे एक्यूरेट डिवाइस है। और यह एमआई का यह बैंड सिर्फ और सिर्फ 799 रुपये में उपलब्ध थी, अभी वाइट एलईडी लाइट की 699 में उपलब्ध है, इसलिए मैं इसको आपको जरूर रिकमेंड करता हूँ। और यह रिस्ट में भी काफी स्टाइलिश लगती है। इसका दूसरा वर्जन भी कुछ दिनों में लॉन्च होगा जिसका एमआई बैंड 2, जिसमें एक डिस्प्ले भी रहेगा। और इसकी सबसे इम्प्रेसिव है बैटरी, इसकी बैटरी है लगभग करीब 1 महीने तक या कोई कोई 2 महीने तक भी आसानी से यूज कर पाते हैं। अगर आप इसे इसका वाइब्रेशन ऑफ कर दें तो आराम से 3 महीने भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख और मेरा यह मस्ट हैव शाओमी का गैजेट का रिव्यू देखने के लिए शुक्रिया। आशा है कि आपने वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आपका कमेंट को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू।